जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी विल्मा रुडोल्फ के बारे में। विल्मा रुडोल्फ का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। जब वे मात्र 4 वर्ष की थी तो उन्हें भयंकर निमोनिया और बुखार हो गया, जिससे उन्हें पोलियो हो गया। डॉक्टर ने उन्हें पैर में ब्रेस पहना दिया और कहा कि अब वे कभी नहीं चल सकेंगी। विल्मा की माँ उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करती रहती और उन्हें ईश्वर प्रदत्त योग्यता का उपयोग करने और हिम्मत से काम लेने के लिए उत्साहित करती रहती थी। विल्मा रुडोल्फ बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। हार मानना तो जैसे वह जानती ही न थी। 9 वर्ष की उम्र में डॉक्टर की सलाह के विपरीत उन्होंने अपने पैर से ब्रेस उतार दिए और धीरे धीरे पैरों पर चलना शुरू किया। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में दौड़ में हिस्सा लिया। वह दौड़ में बार बार पराजित हुई, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब वह प्रथम आई। 15 वर्ष की उम्र में वह टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई। वहां वह एक टेंपल नामक कोच से मिली। उन्होंने कोच से कहा कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। कोच ने उनकी लगन, निष्ठा और दृढ़ संकल्प को देखते हुए कहा कि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता और इसमें मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हें ट्रेनिंग भी दूंगा। वह दिन भी आया जिसका विल्मा रुडोल्फ को बेसब्री से इंतजार था। वह 1960 के ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रही थी। विल्मा का मुकाबला जूता हाइने नामक धाविका से था, जो कभी हारी ही नहीं थी। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। विल्मा ने जूता को पराजित किया और अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की हुई, उसमें भी विल्मा ने जूता को पराजित किया और अपना दूसरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तीसरी दौड़ 100 मीटर की थी, यहाँ भी वह जूता हाइने के मुकाबले में थी। इस दौड़ में सबसे तेज धावक को सबसे अंत में रखा जाता है। यहाँ 3 धावकों के दौड़ने के बाद जब बैटन विल्मा को दिया गया तो बैटन विल्मा के हाथ से गिर गया, लेकिन जैसे ही विल्मा ने जूता को दौड़ते हुए देखा, उन्होंने तुरंत बैटन उठाया और अविश्वसनीय गति से मशीन की तरह दौड़ लगा दी। इस तरह उन्होंने तीसरा स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। विल्मा ने इतिहास रच दिया था। उन्होंने दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बनने का सपना साकार कर लिया। अपंग महिला का यह कारनामा इतिहास में दर्ज है और जीतने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शानदार प्रेरणादायक घटना है। यह उन सभी लोगों के लिए सबक है जो अपनी असफलता के न जाने कितने बहाने बताते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं। सफलता हिम्मती, साहसी और संकल्पित लोगों की दासी है, यह सिद्ध किया है विल्मा रुडोल्फ ने। तो ये थी विल्मा रुडोल्फ के जीवन की एक प्रेरणादायक घटना, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह की नई कहानियों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।